So, हेलो तो स्पोर्ट्स बात कर लेते हैं एफ कप के बारे में तो एफ कप में कल मैच था दो पहला मैच था एडीके वर्सेस बगाना किंग्स एंड ये मैच एडीके मोनबगान ने 4-0 से जीत लिया है एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट विन था uh, एंड एडीके मोहन बगान को कंपटीशन में सरवाइव करना था तो ये मैच जीतना बहुत इंपॉर्टेंट था एंड वो एडीके मोनबगान ने करके दिखा दिया है एंड एक बहुत ही कमाल का मैच उनके तरफ से लाइक हैट्रिक किया ने एंड डेविड विलियम्स ने फिर आके एक गोल किया है सो ओवरऑल एक काफी बढ़िया परफॉर्मेंस

क्लब्स uh, का वो सब उड़ के नीचे आ चुके थे तो बहुत ही ज्यादा तेज हवा था एंड इसी के कारण लाइक यू नो बहुत ज्यादा बारिश भी हो रहा था एंड थंडर के कारण लाइक यू नो गेम को एक घंटे के लिए बंद किया गया जो कि फीफा का रूल भी है कि अगर लाइक यू नो थंडर होता है तो आप गेम को बंद करोगे प्लेय सेफ्टी और ऑफ कोर्स सो so, यहाँ yeah, उसके उसके बाद ही जो मैच हुआ उसी के बाद में क्योंकि उससे पहले तो मैच हार्डली दस मिनट हुआ होगा एंड लाइक एक बहुत ही बढ़िया मैच हम लोग को देखने को मिला और लाइक अगर हम लोग लाइक प्रॉपरली बात कर ले तो एडीके मोहन बगान का कल का परफॉर्मेंस अच्छा था डिफेंसिव हाँ, एरर्स था बट संदेश संजीव ने अकेले बहुत अच्छे तरीके से डिफेंस को संभाला है एंड लाइक यू नो कार्यू का भी परफॉर्मेंस अच्छा था जॉनी कोको ने भी अच्छा खासा गेम खेला डेविड विलियम्स का भी परफॉर्मेंस मुझे काफी अच्छा ही लगा एंड में सब्सिड्यूटी उन्होंने जो खेला है रोहित कृष्णा का ही अच्छे प्लेयर तो एक काफी कंप्लीट गेम खेला है उन्होंने एंड लिस्टन तो टॉप लेवल परफॉर्मेंस तीन गोल की हैट्रिक किया है मनवीर सिंह ने भी कल काफी एक बढ़िया गेम खेला है वहां पर अगर हम लोग लाइक वशुंदरा किंग्स का बात करें तो उनका परफॉर्मेंस अगर लोग देख ले तो अच्छा था बट वही फिनिशिंग में थोड़ा सा कमी नजर आया वरना ओवरऑल तो उन्होंने भी बहुत खराब गेम नहीं खेला है एंड uh, देखते हैं क्या नेक्स्ट मैच में एटी मोहन बगान का परफॉर्मेंस कैसे रहता है एंड अगर हम कल कर दूसरा मैच का बात करें जो था गोकुलम कर एस एनआरसी तो ये मैच माजी एस एनआरसी ने वन जीरो से जीत लिया है तो गोकुलम के लिए एक बहुत बड़ा ब्लो क्योंकि अभी टेबल अगर हम लोग देख ले तो एटी के मोहन बगान नंबर वन पोजिशन में गोल्ड डिफरेंस से आगे एटी के मोहन बगान तो काफी मैच क्लोज हो चुका है और लाइक पूरा ये जो मतलब ग्रुप है वो पूरा ही ग्रुप क्लोज हो चुका है हर एक टीम ने एक एक मैच जीता है सो so, हर एक टीम के पास तीन पॉइंट है पूरा जो भी होगा वो लास्ट डे में डिसाइड किया जाएगा एंड uh, लास्ट डे में लाइक like, मजिया का गेम है डी के मोहन बगान के गेस्ट में गोकुलम का गेम है बुशुंदरा किंग्स के गेस्ट में एंड गोकुलम का जो मेन प्रॉब्लम है वो है प्लेयर्स काफ़ी ज़्यादा टायर्ड नज़र आ रहे थे एंड लाइक पूरे मैच में ज़्यादातर अटैक माजिया नहीं किया ज़्यादातर क्या पूरा अटैक ही उन्होंने किया है एंड लाइक गोकुलम ने अटैक किया ऐसा नहीं कि बिल्कुल भी अटैक नहीं किया है बट uh, ज़्यादा कुछ इंप्रेसिव अटैक उनके साइड से देखने को नहीं मिला है हम लोग को जितना भी ज़्यादा मेजर अटैक आया है वो माजिया के साइड से ही है एंड उन्होंने लाइक लिटरली ऑलमोस्ट डोमिनेट किया पूरे गेम को एटलीस्ट अटैकिंग फ्रंट में तो डिफेंस में भी अच्छा खासा खेला क्योंकि यार प्लेयर्स काफी ज़्यादा टायर्ड आप क्लियरली देख सकते जिन्होंने ये मैच नहीं देखा है आप अगर मैच देखोगे आपको क्लियरली पता चल जाएगा कि यार प्लेयर्स बहुत थक चुके थे एंड लाइक uh, like, यार ये एक uh, प्रॉब्लम तो खैर आना भी था मॉमडन के अगेंस्ट में मैच खेला है गोकुलम ने एटी के मोहन बगान किंग्स में मैच खेला है सो so, एक वो टायर्डनेस आना काफ़ी एक यू नो कॉमन सा बात था आ, जो कि लाइक like, काफी मेजर इशू है गोकुलम के लिए करें लिए। लास्ट मैच भी उनका बुशिंदौरा किंग्स के अगेस्ट में जो कि बहुत कोई वीक टीम नहीं यहाँ ए के मोहन बगान हो सकता है उनको फोर जीरो से हराया होगा वहाँ पे गोकुलम का लाइक यू नो अगर हम लोग देख ले तो गोकुलम का भी अटैक काफी स्ट्रॉग है काउंटर अटैकिंग बेस्ट फुटबॉल गोकुलम भी खेलते हैं बट अगर हम लोग बुशिंदौरा का ही प्रॉपरली बात कर ले तो बुशिंदरा भी स्ट्रॉग टीम है एडीके मोहन बगान के अगेंस्ट में उन्होंने भी अच्छा खासा लाइक यू नो चांसेस तो बहुत क्रिएट किया था गोल नहीं कर पाए वो अलग बात है बट चांसेस बहुत क्रिएट किया था एंड इसी कारण मेरे हिसाब से लास्ट जो दिन होगा वो बहुत वाइटल होने वाला है एंड उम्मीद करती है कि यू नो जो लास्ट मैच है उसमें एटलीस्ट गोकुलम का परफॉर्मेंस अच्छा हो सबसे पहले क्लिटन सिल्वा की तरफ से तो बेंगलोर छोड़ िल्वा चांसेस काफी ज्यादा हाई है क्योंकि एक्चुअली यू नो बेंगलुरु से नया स्ट्राइकर ढूंढ रहे मार्केट में एंड क्लीटन सिल्वा जिनका एज एजी फाइव सेंट्रल फोर्थ पोजिशन के प्लेयर है ऐसा नहीं कि परफॉर्मेंस बहुत खराब रहा है इनका लाइक like, अगर हम लोग लास्ट सीजन का भी परफॉर्मेंस देख ले तो उन्नीस मैचेस में नौ गोल किया तीन असिस्ट तो इसको हम लोग लाइक like, खराब परफॉर्मेंस तो किसी भी एंगल से नहीं बोल सकते अच्छा परफॉर्मेंस दिखाया बट बेंगलोर एक नए फॉरवर्ड प्लेयर को भी ढूंढ रहे थोड़ा सा जैक जिनका एज थोड़ा सा कम हो और भी थोड़ा सा इन्फॉर्म फॉरवर्ड प्लेयर हो अब क्लिटन सिल्वा को क्या कोई दूसरा आई का क्लब मिल सकता है डेफिनेटली मिल सकता है अच्छे प्लेयर है नो no डाउट काफी ज़्यादा टैलेंटेड प्लेयर है क्लिटन सिल्वा एंड सिर्फ सेंट्रल फॉरवर्ड नहीं लेफ्ट विंग राइट विंग दोनों ही पोजिशन में खेल सकते हैं एंड अगर हम लोग देख ले तो थाई लीग में तो उनका खेलने का एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा बहुत साल खेल रहे हैं एंड लाइक यू नो मैक्सिकन लीग में भी काफ़ी साल खेला है तो एक्सपीरियंस प्लेयर है यार मतलब वो तो खैर इतने साल से वो आई भी खेल रहे तो एक्सपीरियंस तो पूरा है इनके पास बट देखना है कि

प्लेयर इंडिया की ओर तो एंड अगर हम लोग इनका क्लब करियर देख ले तो डेफिनेटली स्पेन में ही खेल रहे अभी एस गोवा को एक डिफेंडर तो चाहिए एंड एस गोवा काफी सारे डिफेंसिव ऑप्शन को अभी ढूंढ रहा है एंड करेंटली ये यू नो एथलेटिक बेलोस में खेल रहा है जो कि स्पेन का थर्ड डिविजन का एक क्लब है एंड इससे पहले इन्होंने यू नो रेसिंग और भी बहुत सारे क्लब्स में, खेल like में खेला है लाइक डिप्रोटिवो एरोग पोर्तगेलिटी एस डी में खेला है एक्चुअली ईबेर में सबसे बहुत लोगों ने नाम सुना होगा एस डी ईबेर की आप बोल सकते यूथ प्रोडक्ट है ये सो टैलेंटेड प्लेयर है

कि वो अपने करियर के पीक में है करंटली एंड यू नो ऐसे प्लेयर्स के अगर लाइक गोवा साइनिंग कंप्लीट करते तो बहुत बढ़िया चीज होगा उनके लिए एंड टीम का जो ओवरऑल शेप है वो भी बहुत अच्छे तरीके से मेंटेन किया जा सकता है क्योंकि तो यार अच्छा साइनिंग होगा अच्छा डील डेफिनेटली टीम के बेनिफिट को काफी मतलब टीम को ही बेनिफिट देता है एंड ऑफ द डे सो देखते हैं कि लाइक यू नो क्या इनियकुलर तो फाइनल एफसी गोवा में आते नहीं पी एच जी की तरफ से तो पीएसजी ने एम्बापे के साथ अपना जो कॉन्ट्रैक्ट है वो 2025 तक एक्सटेंड कर लिया है एंड लाइक यू नो वही फिर से वही चीज रिपीट हो रहा है पी एच में रहने वाले एम्बापे इतना कुछ करके बट लाइक यू नो लालिका बिल्कुल भी खुश नहीं है उन्होंने बहुत एक लंबा चौड़ा स्टेटमेंट निकाला है जिसको लेकर हम लोग आने वाले वीडियो में डेफिनेटली डिटेल में बात करेंगे क्योंकि अगर मैं उस सारी चीजों को लेकर बात करूँ तो पूरा एक वीडियो ही बन जाएगा बहुत बड़ा सेगमेंट बन जाएगा अभी मैं उन सारी पे नहीं जाऊंगा बट लाइक यू नो रेल का ऑफर बहुत अच्छा था इतना ही मैं बता सकता हूं कि लालीगा लीगल एक्शन लेगा पीएचडी के ऊपर क्योंकि उन्होंने रेल के ऑफर को उड़ा मतलब उड़ा है मतलब एक्सेप्ट you know, नहीं किया है सो so, एक काफी ज्यादा टफ एक सिचुएशन हो रहा है लालीगा में लालीगा को एक बिग फेस चाहिए मतलब एटलीस्ट उनके मैनेजमेंट को तो लगता है कि उनको एक बिग फेस चाहिए बट मेरे हिसाब से लालीगा अभी जिस हिसाब से उनका टूर्नामेंट चल रहे थे डोंट नीड अ बिग फेस लाइक उस हिसाब से तो लीग वन में इतने सारे बिग फेस हैं बट फिर भी लीग वन कोई देखता भी नहीं है प्रॉपरली लाइक like, पी के मैचेस हुआ तो तब देख लेते एक दो बार मतलब जब कोई भी मैच नहीं होता तो तब पी के जी मैचेज देखना पड़ता है बट यार वैसा वाला बात नहीं है मेरे हिसाब से लालीगा का जो मतलब मैनेजमेंट है जो हेड है बॉडी है उनको ये समझना चाहिए कि एक प्लेस है ये बट आपका लीग बिल्कुल भी कोई कमजोर लीग नहीं है मुझे पता है मेसी छोड़कर जा चुका है एम्बाप्पे नहीं आ रहा है हलांड हाथ से निकल गया सो so, बट फिर भी लाइक यार लालीगा इज लालीगा एंड यू नो लीगल एक्शन तो डेफिनेटली लिया जाएगा क्योंकि चीजें काफी ज्यादा सीरियस है एंड यू नो रियल मदी का जो ऑफर रिजेक्ट किया गया या फिर लीगल एक्शन बेसिकली यू नो ये जो पूरा यूरोपियन यू नो स्ट्रक्चर को यू नो डैमेज कर रहे हैं पीएच इसी को लेकर होगा बट uh, मुझे नहीं लगता कि ज्यादा कुछ हो सकता है इसको लेकर क्योंकि आ, वो लोग बोल देंगे हमारे पास पैसा है हमने खर्चा किया आपको क्या प्रॉब्लम है बट uh, uh, फिर भी लाइक फीफा इसको लेकर क्या सोचता है या फिर यू you नो know, जो यूरोपियन फुटबॉल एसोसिएशन यूएफा जो है वो इसको लेकर क्या सोचता है वो भी काफी ज्यादा देखने लायक चीज होगा एंड इस डील के बारे में आप लोग का थॉट्सअप कॉन कर मुझे